हाल ही में ऑनलाइन फाइल ट्रांसफर साइट वी ट्रांसफर को भारत में बंद कर दिया गया था। वी ट्रांसफर फाइल शेयर करने के लिए सबसे लोकप्रिय वेबसाइट में से एक है। ये नीदरलैंड की कंपनी है और पूरी दुनिया में इसके करीब 5 करोड़ यूजर्स हैं। इस पर हर महीने करोड़ों फाइलें ट्रांसफर होती है। लॉकडाउन के चलते घर बैठे काम करने वाले लोगों के लिए ये साइट काफ़ी उपयोगी थी। वी ट्रांसफर का इस्तेमाल करना काफ़ी आसान था। इसे यूज़ करने के लिए अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं। इस पर एक बार में कोई भी व्यक्ति 2 GB तक की फाइल भी भेज सकता है। फाइल मांगने वाले को मेल पर फाइल का लिंक मिलता है और पैसे देकर इस वेबसाइट के जरिए 2 GB से भी बड़ी फाइल भेजी जा सकती है। हाल ही में कुछ कारणों के चलते इस साइट को भारत में बैन कर दिया गया था। अब इस साइट को बैन क्यों किया, ये असलियत सामने आ गई है। इसके ट्रांसफर साइट में भारत में बैन होने के तार दिल्ली के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़े हुए हैं। इस साइट से प्रशासनिक अधिकारियों की फर्जी मेल आईडी के नाम पर कुछ कंटेंट शेयर किए जा रहे थे। जब इस बात की जानकारी विभाग को लगी तो उन्होंने कंपनी से इसके लिए सहयोग मांगा कि जानकारी दी जाए कि ये सब कौन कर रहा है। कंपनी से उन 2 लिंक की जानकारी मांगी गई जो पुलिस अधिकारियों के नाम पर लोगों को मेलवेयर भेज रहे थे, लेकिन कंपनी ने ये जानकारी देने से मना कर दिया। इसी को देखते हुए पुलिस ने दूरसंचार विभाग से कहा कि इस साइट को बैन कर दिया जाए और इसीलिए इस साइट पर बैन लगा दिया गया। हालांकि जब वी ट्रांसफर को बैन किया गया तब ये कहा गया था कि पब्लिक की सुरक्षा को देखते हुए इस साइट को बैन किया जा रहा है, और अब ये मामला निकल कर आया है कि प्रशासनिक अधिकारियों के नाम से इस साइट पर फर्जीवाड़ा चल रहा था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।